हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस रिलेटेड। हम लोग बात करने वाले हैं तो बिजनेस में आपको करना क्या होता है। फर्स्ट तो आपको लीड जनरेट करने आना चाहिए। क्या करने आना चाहिए? लीड जनरेट करने आना चाहिए। जब आपको लीड जनरेट हो जाता है तो आप कोटेशन देने आना चाहिए, और कोटेशन देने के लिए आपको एक एक प्रोडक्ट की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए, हम लोग एक एक प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे। जैसे कि आपको, फॉर एग्जाम्पल, आपको वॉच पैड का इंक्वायरी आता है, तो वॉच पैड में आपको पूछना होगा क्या क्या पूछना होगा, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। फर्स्ट तो आपको वॉच के क्या पूछना है कि आईडी क्या है। आईडी का मतलब होता है इनर डाया। तो इसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसका जो यूनिट होता है, हम लोग INCH इंच में पूछ सकते हैं और MM में पूछ सकते हैं, मिलीमीटर में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो में आपको ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है कि सेकेंड थिंग से आपको पूछना क्या होगा कि इसका लेंथ क्या है, LGTH लेंथ। तो लेंथ आपको मीटर में पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 मीटर है। तो कोई कोई कस्टमर आपको MM में बोलता है कि हमको 5000 MM बोलता है। ये लेंथ जो है आपको मीटर में भी हो सकता है और MM में भी हो सकता है और फीट में भी हो सकता है। कोई कोई कस्टमर फीट में भी पूछता है कितना फीट चाहिए, ठीक है ना। अब सपोज मान लीजिए कोई कस्टमर पूछता है कि हमको 20 फीट का चाहिए, 20 फीट लेंथ चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना होगा। जैसे मान लीजिए 1 फीट इक्वल टू 300 mm होता है, ठीक है। 1 फीट इक्वल टू 300 mm, तो आपको 20 फीट ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। 20 फीट इंटू 300 कितना हो गया, 6000 हो गया ना। तो 6000 का मतलब अगर हमको ये MM हो गया, अगर MM को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मान लीजिए कि 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है MM, ठीक है। तो आपको 6000 है, तो 6000 में हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0000 कॉस्ट हो गया, तो बच गया कि आपका 6 मीटर हो गया। इस तरह से हमारा होल्स का कॉलकुलेशन रहता है। तो आपको देखना है कि इसमें क्या आपने पूछ लिया, इनर डाया पूछ लिया, लेंथ पूछ लिया, और आपको लेंथ में कितने तरह से लोग पूछेंगे, कोई फीट में पूछेगा, कोई मीटर में पूछेगा, कोई MM में पूछेगा, 3 यूनिट में पूछेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि अप्लीकेशन आता है। नेक्स्ट क्या पूछते हैं, कंपनी आपको मालूम करना होगा कि अप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट क्या है, अप्लीकेशन AWP अप्लीकेशन, ओके। तो नेक्स्ट आपको अप्लीकेशन मालूम करना कि अप्लीकेशन क्या है, ठीक है। अप्लीकेशन का मतलब कि आपका, सपोज मान लीजिए अप्लीकेशन में आपको क्या हो सकता है, अगर ये अप्लीकेशन में क्या हो सकता है आपका, जैसे कि आपको कोई पूछेगा कि हमको सीमेंट फीडिंग हो चाहिए, सीमेंट फीडिंग हो चाहिएगा, सीमेंट फीडिंग रबर हो बोल सकते हैं, सीमेंट फीडिंग हो बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे लोग, दूसरे वर्ड में क्या पूछता है कि YS रबर हो, ठीक है। और क्या पूछेगा, बल्क अनलोडिंग या अनलोडिंग
रबर हो, ठीक है। और क्या पूछ सकता है? एयर रबर हो, बल्कि एयर रबर हो पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? बल्कि एयर। तो इतने नामों से इसको बोलेगा, ये जो है आपको कहाँ कहाँ पे यूज होगा, ये तो आपके जो होश है कहाँ कहाँ पे यूज होगा। तो ये हो जो है आपका सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होगा। कहाँ कहाँ पे होगा? तो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होगा। जैसे कि आप तमाम ये आपका जितना भी सीमेंट इंडस्ट्री है, तो इस तरह के होज और सीमेंट इंडस्ट्री में आपके, और इसके बाद आपको आर एम सी प्लांट में यूज होगा, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट। तो इतने प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। और सवाल क्या है कि जैसे सीमेंट आपने देखिए, सीमेंट आर एम सी में होगा, सीमेंट में होगा, तो इसमें हमें अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम अगर ये बिजनेस कर रहे हैं होज का और कोटेशन देने वाले, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या साइज जो है चलता है, क्या क्या साइज जो चलता है। तो आपको देखिए इसमें कितने साइज चलता है, एक तो आता है 3 इंच का रहता है। 3 इंच का मतलब होता है कि 75 mm आप उसको बोलते हैं। अब सवाल है कि 75 mm कैसे आता है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहूँगे कि 1 इंच का ये सिंबल है, इसको इंच ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंच में 25.4 mm होता है। तो हम अगर 3 इंच से 3 इंटू 25.4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 कितना हो जाएगा, 76.2 कुछ हुआ। तो आप एग्जैक्ट अगर आप लिखना चाहते हो तो कितना हो गया, 76.2 mm। ये एग्जैक्ट बोलो तो इतना, तो रफली क्या लोग बोलता है, मतलब 73.25 से मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है आपको 25.4 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 76 एग्जैक्ट अगर आपको लिखना होगा तो यहाँ पे 76.2 mm लिख सकते हैं। दूसरा जो साइज आपको आता है 4 इंच का मतलब कि आपको अब यहाँ पर 4 इंटू 25.4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 101.6। तो इसको 101.6 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 101.6 तो रफली क्या बोलते हैं लोग, 100 में बोल देते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, ये 5 इंच का चलता है। तो 5 इंच में भी 5 इंच 25.4 करते हो 127 आपका इसका आ गया, इसको 127 mm इसको आपको होगा। कभी कभी कस्टमर को 6 इंच का भी रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी 6 इंच का भी रिक्वायरमेंट होती है। तो 6 इंच को आप क्या ऐसा लिखोगे, 6 इंटू 25.4 तो आपको कितना हो गया, 152.4 mm हो गया। तो लोग रफली 150 लिख देता है, लेकिन एग्जैक्ट आपको लिखना 152.4 mm लिखना होता है। तो आपने देख लिया कि ये इनर डायर का हमारे होल में कितना इम्पोर्टेंट है। अब जो है लेंथ जो है डिपेंड ऑफ द कस्टमर। कोई कस्टमर आपको पूछेगा, देखिए इसमें ज़्यादातर अभी हमारा जो एक्सपीरियंस है कि लोगों ने अभी तक हमसे क्या पूछा है, तो किसी ने 3 मीटर पूछता है, 3 मीटर, कोई 4 मीटर, कोई 5 मीटर, कोई 6 मीटर, ठीक है। ये काफ़ी कॉमन जो लेंथ है जो मार्केट में चलता है, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर, ठीक है। तो आपको कस्टमर को समझाना होगा कि सर देखिए इसमें जो सीमेंट फीडिंग रबर होज बोलिए या प्लाई एस होज बोलिए या बल्कर अनलोडिंग रबर होज बोलिए या ईयर रबर होज बोलिए, इसमें जो लगने वाले जो साइज होते हैं 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच, और इसमें जो मैक्सिमम जो लेंथ होता है 3 मीटर होता है, 4 मीटर होता है, 5 मीटर होता है, 6 मीटर होता है।
तो आपको ये हमें देखना होगा कि आपकी नीड्स क्या है। तो जैसे ही आपका जो लेंथ ज्यादा होता है तो लेंथ जैसे ज्यादा होगा तो होज का लाइफ कम होता है, और जितना ही लेंथ आपको कम रहेगा उसका जो है क्या होगा, जितना लेंथ कम होगा उसका लाइफ ज्यादा होगा। तो होज में ये देखना है कि देखिए हमको ज्यादा लेंथ में हमको नहीं जाना चाहिए, ज्यादा लेंथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा लेंथ रहेगा तब हैंडलिंग इजी नहीं होगा, तो लेबर क्या करेगा उसको खींच के लेके जाएगा। मान लीजिए 10 मीटर का हो जाए, 15 मीटर का हो जाए, तो उसको उठाने के लिए 3 आदमी एटलीस्ट चाहिए, लेकिन एक 5 मीटर 6 मीटर का हो जाए तो 2 मैन पावर उसको हैंड करके इजी कहीं से उठा के रख सकता है। तो होज का जो लाइफ होता है लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर देखा जाए जहाँ पर 6 मीटर का लाइफ का अगर 1 ईयर है, तो वहीं पर अगर 3 मीटर का होज देखा जाए तो वहाँ पर लाइफ उसका 2 ईयर्स हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस इंसान की जो हाइट कम होती है, इंसान का ही ले लो, एक इंसान होता है जो उसका हाइट 4 फीट होता है या 5 फीट होता है, वो तो ज़्यादा दिन जिंदा रहता है। एक इंसान का जो हाइट होता है 7 फीट होता है, 6.5 फीट होता है, उसका लाइफ कम होता है, फिर जो अपने क्लाइमेट के हिसाब से सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जिसकी ज़्यादा लंबाई कम होगी वो उसका होज का जो लाइफ ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ज़्यादा होगा। तो आपने देखा, अब हम नेक्स्ट वीडियो को बने रहेंगे, इसके साथ वीडियो को विराम देंगे।